मोहम्मद आमिर, जितने कमाल के बॉलर थे उतना ही कमाल वो दिखा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, वो कैसे? कल रात विराट कोहली ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके अपनी टीम को जो है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवाया। आउटस्टैंडिंग सेंचुरी जो है कल विराट कोहली ने बनाई, तो दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने जो है सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार किया, लोगों ने ट्वीट्स किए। इसी तरह मोहम्मद आमिर ने भी एक ट्वीट किया। मोहम्मद आमिर ने उनकी बैटिंग को तो प्रेज किया, लेकिन उन्होंने एक लाइन उसमें कर दी और एड, वो क्या? उन्होंने मेंशन किया, ही इज अ रियल किंग। तो फड्डा शुरू हुआ यहां से। तो फिर जितने भी बाबर आजम के फैंस थे जिनका मानना है कि बाबर इज अ रियल किंग, तो एक जंग छिड़ गई सोशल मीडिया पे। तो ये मोहम्मद आमिर जो है इस तरह की मस्तियां ये करते रहते हैं, क्योंकि इनको जहां मौका मिलता है बाबर पे बात करने का वो जरूर करते हैं। मैं बताता हूं कैसे। पीएसएल स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि बाबर मेरे लिए टेल एंडर की तरह है, तो वहां उन्होंने एक पॉइंट स्कोर किया बाबर के खिलाफ। फिर जब बाबर का सामना उन्होंने किया पीएसएल के अंदर पहले मैच में, बाबर ने इतनी आराम से उनको खेला कि लोग बोलने लग गए कि आमिर का बॉल विकेट तक नहीं पहुंच रहा, एक एक पॉइंट दोनों के बराबर। फिर इसी तरह फिर आमिर ने जब कमबैक किया दूसरे मैच के अंदर, वहां बाबर को पहले ओवर में चलता किया तो दो पॉइंट आमिर के, एक पॉइंट बाबर का। फिर उसके बाद अभी उन्होंने रिसेंट एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि बाबर को जो है कप्तान रखना चाहिए टिल वर्ल्ड कप, दो पॉइंट बाबर, दो पॉइंट आमिर। और अब ये तीसरा वार किया है इन्होंने बाबर पे इनडायरेक्टली कि रियल किंग इज विराट कोहली। तो अब देखते ये हैं कि बाबर इसका जवाब कब देते हैं, क्योंकि इनका आमना सामना तो होना है अब पीएसएल में 2024 के सीजन में। बट लेकिन मोहम्मद आमिर जो है सोशल मीडिया पे जो है ये जंग नहीं छोड़ने वाले। तो हम जितने भी क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, हम इस क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, हम इस कॉम्पिटिशन को भी पसंद करते हैं। तो सेंचुरी तो बनाई विराट कोहली ने, और कंधा इस्तेमाल किया मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली का बाबर को अटैक करने के लिए। तो देखते हैं जी मजीद कितने ट्वीट्स आते हैं, जब तक हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं।